Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. तो आप सबका स्वागत है आज की मीटिंग में. आज कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी जो कंपनी ने लॉन्च तो कर दिए, लेकिन हम लोग ज्यादा उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए और काफी रिसर्च के बाद उनको लॉन्च करा गया है. तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे हम कभी ध्यान नहीं देते. शुरू से जो हमें प्रोडक्ट बताए गए थे हम ट्रेनिंग्स में, हम केवल उन्हीं को सजेस्ट करते हैं, जबकि ये जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं इनमें काफी कुछ ऐसी चीज है जो हम अगर रिकमेंड करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं. तो देखिए, ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा आज, तो आप ध्यान से सुनिएगा. देखिए, प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हॉट सेलिंग प्रोडक्ट और एक होते हैं कोल्ड सेलिंग प्रोडक्ट. हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स का मतलब वो होता है कि जिनके बारे में हमें ज्यादा बताना नहीं पड़ता, जैसे चाय, कॉफी, साबुन, हेयर ऑयल, ये सब भी सभी लोग यूज करते हैं. लेकिन कुछ कोल्ड प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें अवेयरनेस देनी पड़ती है, हमें लोगों को बताना पड़ता है. जब नोनी और स्पुलिना लॉन्च हुए थे वेस्टीज में, तब किसी को पता नहीं था, तब ये कोल्ड कैटेगरी में थे. लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस हुई, वेस्टीजियंस ने अवेयरनेस फैलाई और वो धीरे धीरे जाके हॉट प्रोडक्ट्स में आ गया. तो देखिए, सभी लोग अपना म्यूट ही रखेगा माइक, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लास्ट में हमसे पूछ सकते हैं. तो देखिए, कोल्ड प्रोडक्ट कैटेगरी से हॉट प्रोडक्ट कैटेगरी में बनाना वो हमारे ऊपर है. हम जितना ज्यादा लोगों को बताएंगे वो ऑटोमेटिकली हॉट प्रोडक्ट्स में आ जाएगा. तो देखिए, जो मैं आपको अभी प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, जिनके बारे में बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनेगा और उनको भी हॉट प्रोडक्ट में कैटेगरी में लाने में की जिम्मेदारी आप सबकी है. तो देखिए, सबसे पहला प्रोडक्ट है इस कैटेगरी में कोकोनट ऑयल के कैप्सूल्स हैं. देखिए, हमारा दिल चाहता है गुड कोलेस्ट्रॉल. दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है. गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, हमारे दिल के लिए अच्छा होता है, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल हमें दिल की बीमारियां पैदा कर देता है. तो जो कोकोनट ऑयल है, इसके बारे में आपको अब स्लाइड में बताऊंगा. देखिए, जो हमारी दिल होता है, दिल 24 घंटे बीट करता है. अगर वो एक सेकंड भी, कुछ मिनटों के लिए भी अगर बीट करना बंद कर दे, धड़कना बंद कर दे, तो हम प्रॉब्लम हो जाएंगे. तो देखिए, एक स्टडी के अनुसार हार्ट बीट्स अबाउट 2.5 बिलियन टाइम्स ओवर द एवरेज लाइफ टाइम. एक पूरी जिंदगी में 2.5 बिलियन टाइम्स बीट करता है हार्ट, और जिससे वो उसका हार्ट का काम क्या होता है, गैलन्स ऑफ ब्लड, बहुत सारा ब्लड वो पंप करता है. उसका काम ही है ब्लड को पंप करना, और अच्छे ब्लड को, जो ब्लड इम्प्योर हो जाता है उसको प्यूरिफाई करना, और फिर सही साफ किया हुआ ब्लड सब जगह सर्कुलेट करना, सर्कुलेट करने के लिए भेजना. तो देखिए, फिजिकली इनएक्टिविटी, अगर हम फिजिकली इनएक्टिव हैं या हमारी डाइट अच्छी नहीं है, क्योंकि आजकल देखिए भागदौड़ की जिंदगी है, हम अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इससे होता क्या है कि हम रिस्क आ जाता है हमारा हार्ट की डिजीज पे. हम आजकल देखिए खाना जो खाते हैं स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन जो स्वाद का खाने के चक्कर में हम उसको ऐसी तरह से माइक्रोवेव करते हैं या पकाने का तरीका हमारा बदल गया है, जिससे कि उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं. तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि दिल की बीमारियां बहुत छोटी उम्र में भी होने लगी है. तो ये प्रिवेंट करने के लिए आपको समझना होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा. बैड कोलेस्ट्रॉल का क्या इम्पोर्टेंस है और गुड कोलेस्ट्रॉल का क्या इम्पोर्टेंस है. देखिए, कोकोनट ऑयल दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल कोकोनट ऑयल और एक वर्जिन कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल, जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल होता है, उसमें हेल्दी सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जिसमें
जिसके अलग अलग इफेक्ट होते हैं, और ये जो फैट्स होते हैं इससे आपका फैट बर्निंग, आपको जो फैट जमा हुआ है उसको बर्न करने में हेल्प करता है, और आपकी ब्रेन, आपके ब्रेन को क्विक एनर्जी देता है। ये मतलब आपके फैट बर्निंग में भी काम करेगा और आपके दिमाग में भी एक एनर्जी देगा। तो इसमें जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके ब्लड में अच्छा कर देगा, जिससे कि आपकी हार्ट की डिजीज का रिस्क कम हो जाए, दिल की बीमारियों का रिस्क कम हो जाएगा। तो देखिए, रेगुलर और वर्जिन कोकोनट ऑयल में डिफरेंस क्या होता है उसके एक्सट्रैक्ट करने का तरीका, क्योंकि देखिए कोकोनट से ये तेल निकाला जाता है, तो रेगुलर और वर्जिन कोकोनट ऑयल में डिफरेंस बस यही है कि उसको निकाला कैसे जाता है, निकालने के तरीके में। वर्जिन कोकोनट ऑयल जो होता है ये खाने का तेल होता है, ये पूरी तरह खाने के लिए होता है, और ये जो मैच्योर हो जाते हैं कोकोनट्स उनमें से निकाला जाता है बिना हीट उसको गर्म करे। तो देखिए जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल होता है, रेगुलर कोकोनट ऑयल होता है, उससे उसको निकालने के लिए कोकोनट को गर्म किया जाता है, उससे कुछ हद तक उसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। लेकिन जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है ये बिना हीट को, बिना उसे गर्म करे निकाला जाता है। वेस्टीज का जो कोकोनट ऑयल है ये वर्जिन कोकोनट ऑयल से बना हुआ है, और इसमें अल्फा लिक्विक एसिड बहुत अच्छी मात्रा में है, और फैटी एसिड्स हैं जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में मदद करेगा। अगर आप ये कैप्सूल देखेंगे, उसको प्रिक करके देखेगा, उसको पेन से प्रिक करके देखेगा, उसमें जो कोकोनट ऑयल निकलेगा उसकी खुशबू आप सूंघ के देखेगा, बहुत ही बिल्कुल फ्रेश है और नेचुरल कोकोनट की खुशबू आती है। अगर आप ये मार्केट का कोकोनट ऑयल देखेंगे तो उसमें वो खुशबू नहीं होगी जो एक्चुअल में होनी चाहिए। तो देखिए, हमारी बॉडी में दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, ये आपकी बॉडी में कम होना चाहिए, और एक होता है HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, तो ये आपकी बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल, हर कोई कोलेस्ट्रॉल गलत नहीं होता, हमारे में गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब HDL ज़्यादा होना चाहिए और LDL कम होना चाहिए। तो जो हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, जो हमारे वेस्टीज के कोकोनट ऑयल कैप्सूल्स में है, ये आपका HDL मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करेगा, इसकी मात्रा अच्छी मेंटेन कर देगा, लेके और आपके हाथ LDL मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को नष्ट कर देगा और उसको ब्लड में घोल लेगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल ब्लड में घुल जाएगा और जो भी आपकी आर्टरी, जो भी नसें आपकी ब्लॉक हुई है वो सब फ्रीली आपका फ्लो करने लगेगा ब्लड। देखिए, वेस्टीज के कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें मीडियम चेंज ट्राइग्लिसराइड्स हैं जो आपके लिवर, ब्रेन और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, ये ऐसा नहीं है कि केवल आपके हार्ट से रिलेटेड है, ये आपके लिवर में और ब्रेन में भी फायदा करेगा। आपकी जो कार्डियोवेस्कुलर मतलब दिल की जो हेल्थ है, दिल का जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा कर देगा, जिससे कि मतलब क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हेल्दी हो जाएगा। इसमें जो हमारी बॉडी को फैटी एसिड चाहिए होते हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं, इसमें विटामिन ई होता है, लॉरिक एसिड भी होता है, जिसकी वजह से ये हेल्दी हेयर और स्किन को सपोर्ट करता है। देखिए, अगर आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप ये जरूर यूज करिए, आपको हेयर फॉल कुछ हद तक, काफी हद तक रोक देगा, प्लस आपके स्किन में भी ग्लो ला देगा। आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया में जो साउथ इंडिया है वहाँ पे मोस्टली सभी सब्जियां कोकोनट ऑयल में बनाई जाती हैं, और आपने देखा होगा उनको उनके बाल कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कितने घने होते हैं। ये देखिए, ये कोकोनट ऑयल का ही कमाल है कि उनके बाल इतने हेल्दी होते हैं। तो अगर किसी की ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है आप उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि पूरे स्किन में ग्लो ला देगा। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है और एंटी माइक्रोबायल इफेक्ट भी ये देता है, ये आपका हाजमा भी अच्छा कर देगा और आपको क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फैट को पिघलाने में भी काम करेगा और तो वेट मैनेजमेंट में भी आपका हेल्प करेगा, प्लस जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनको भी भूख अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैट है वो पिघल जाएगा और आपका ब्लड अच्छी तरह से सर्कुलेट होने लगेगा, तो आपका नेचुरली भूख अच्छी लगने लगेगी आपको। तो इसकी डोसेज क्या है, ये आपको दो कैप्सूल लेने हैं दिन में खाने के साथ, खाने के पहले नहीं, खाने के बाद नहीं, आप खाने के साथ लीजिए,
अगर आप खाने के बीच में सटकना नहीं चाह रहे हैं तो आप इसको फ्रिक करके जो अंदर कोकोनट ऑयल निकलेगा वो आप अपनी एक चम्मच में, एक चम्मच सब्जी में मिला के आप ले लीजिए, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो आप ये इस हिसाब से लीजिए, काफी अच्छा प्रोडक्ट है। देखिए अगला प्रोडक्ट है वेस्टीज कोलेजन, ये सैशे फॉर्म में अवेलेबल है। इसके बारे में भी काफी लोगों को पता नहीं है, जब हम जॉइंट हेल्थ के लिए कुछ प्रोडक्ट देते हैं, घुटनों की बीमारियों के लिए कुछ देते हैं, हम इसको भूल जाते हैं, हम केवल ग्लूकोसामीन और कैल्शियम पे अटक जाते हैं, लेकिन कोलेजन एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, तो कोलेजन को भी हमें बताना चाहिए लोगों को। तो देखिए हमारी जो हड्डियां और जॉइंट्स होते हैं वो हमारी तरह ही ओल्ड होती है, जितनी जो हमारी एज है वही उनकी एज है, क्योंकि वो हमारे साथ ही पैदा हुई थी, हमारे साथ ही बनी थी। कोलेजन जो है एक प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी बनता है, ये बोन्स में पाया जाता है, टेंडन्स में पाया जाता है और लिगामेंट्स में पाया जाता है। बोन्स, दो बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स से, उसमें ये पाया जाता है। और इसमें तीन अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्लाइसिन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो देखिए ये कोलेजन वैसे बनता है हमारी बॉडी में, लेकिन एक टाइम, एक एज के बाद जाके वो बनना बंद हो जाता है। तो कार्टिलेज जो होती है आपने सुना होगा, घुटनों की बीमारी में कभी कभी कोई पेशेंट आया होगा आपके पास नॉलेज में कि कार्टिलेज ब्रेक हो गई है, कार्टिलेज में प्रॉब्लम है। तो कार्टिलेज एक मटेरियल होता है जो हमारी बोन्स को, जो हमारी जॉइंट्स होते हैं उसके बीच में पाया जाता है, दो हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स है वहाँ पे कार्टिलेज पाया जाता है। और धीरे धीरे ये कार्टिलेज जो होता है ये ब्रेक होने लगता है हमारी एज के वजह से, या बार बार रिपीटेड मूवमेंट से, मतलब जब घुटने आपस में टकराते हैं तो एक टाइम पे आके वो कार्टिलेज जो होता है बीच में वो रगस खा खा के थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा सा ब्रेक सा हो जाता है, खरोच आ जाती है इन अदरवर्स। तो उससे होता क्या है, ओल्ड एज में जाके हमें पेन होने लगता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है या कोई ऐसी पर्टिकुलर इंजरी हो जाती है तब भी हमें पेन होने के चांसेस होते हैं। तो कोलेजन जो होता है, कोलेजन का काम यही है कि इस कार्टिलेज के जो टिश्यू है, कार्टिलेज को रिपेयर करना और उसके ग्रोथ रखना, जिससे कि कार्टिलेज वहाँ रहे। तो कोलेजन का एक काम और है कि अगर हमारी घुटनों में सूजन आ गई है, जॉइंट्स में सूजन आ गई है या दर्द है, उसको ठीक करना, तो कोलेजन बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है ग्लूकोसामीन और कैल्शियम के साथ, ये सैशे फॉर्म में। तो कोलेजन जैसे मैंने बताया कि एज के साथ साथ ये इसकी क्वालिटी डाउन होने लगती है, और हो सकता है हमारी जीन्स में हो, मतलब हमारी जनरेशन जो ऊपर बड़ी जनरेशन है, हमारे जो पूर्वज हैं उनको भी ये प्रॉब्लम रही हो, तो वो एक एज इट इज पास ऑन हो जाता है। तो कोलेजन धीरे धीरे एज के साथ कम प्रोड्यूस होने लगता है, जिससे कि हमें घुटनों में दर्द होने लगता है, तो जब घुटने की हड्डियां टकराती हैं तो वो दर्द करने लगती है। तो कुछ और कारण भी हो सकते हैं कोलेजन की कमी की के लिए, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है, पॉल्यूशन ने पूरी तरह ही हमें इफेक्ट करता है, बाकी लाइफस्टाइल की आदतें, स्मोकिंग या पुअर डाइट, क्योंकि आजकल देखिए भागदौड़ की जिंदगी में हम अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इससे होता क्या है, कुछ फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं जो हमारे कोलेजन जो बनता है नेचुरली उसको कम कर देते हैं, उसको बनने की क्वांटिटी को कम कर देते हैं। तो एक ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी होती है, एक आर्थराइटिस देखिए दो टाइप की होती है, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक उसका हायर वर्जन होता है रिमोटॉइड आर्थराइटिस। तो ये जब कार्टिलेज की प्रॉब्लम शुरू होती है तो ये सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का हमने ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करा तो वो रिमोटॉइड आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें रिकवरी होना और मुश्किल हो जाएगा। तो अगर जब हमारी ये प्रॉब्लम शुरू हो तभी हम उसको रोक दें, ग्लूकोसामीन कैल्शियम और कोलेजन का कॉम्बिनेशन लेके, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस एज के हिसाब से डेवलप हो जाता है और बहुत धीरे धीरे होता है, और धीरे धीरे हो के पता भी नहीं चलता हमें और एकदम से ज़्यादा हो जाता है। इससे होता क्या है कि सूजन आ जाएगी और
ये देखिए कोई पेन मत चलाएं, आप ध्यान से सुनिए, जिससे भी पेन चलाए उसको आप इरेज कर दीजिए। तो देखिए घुटनों की सूजन और इंजरी से होता क्या है कि हमारी हड्डियों में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और कार्टिलेज ब्रेक होने लगता है, उससे हमारा दर्द और ज्यादा हो जाता है और सूजन भी ज्यादा हो जाती है और हमारा ज्वाइंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब घुटना तिरछा होने लगता है। ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल घुटनों की बात हो रही है, ये हर किसी ज्वाइंट में एप्लीकेबल है। तो कोलेजन क्या करेगा, इसमें रोज हिप तो एक्सट्रैक्ट है और विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, ये हमारे बॉडी में जो कोलेजन की मात्रा जो होनी चाहिए उसको रिप्लेनिश कर देगा और आपके जो टिश्यूज हैं, देखिए सेल्स से बनते हैं टिश्यू, मतलब सेल्स होते हैं कोशिकाएं, कोशिकाएं से बनते हैं उत्तक मतलब टिश्यू, और टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स। तो ये आपके जो टिश्यूज हैं उनको मेंटेन कर देगा और उनके स्वास्थ्य अच्छे कर देगा, बस आपके ये जॉइंट को कंफर्ट प्रदान करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा और आपकी कार्टिलेज का स्वास्थ्य अच्छा कर देगा। तो देखिए जॉइंट कंफर्टेबल हो जाएंगे और फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो आपको जो हड्डियों में ऐठन सी महसूस होती है वो भी आपको आराम मिलेगा। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें कोलेजन पेप्टाइड होता है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये नॉन वेज प्रोडक्ट है, कोलेजन पेप्टाइड ये फिश से निकाला जाता है। तो देखिए वैसे इसका कोई विचार नहीं करना चाहिए, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो आपको देखिए इसमें बताया गया है कि ये फिश से बना हुआ है, लेकिन इसके अगर रिजल्ट देखें तो बहुत ही बेहतरीन है, तो आपको विचार नहीं करना चाहिए। कोलेजन पेप्टाइड क्या होता है, ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में और ये सूजन को कम करता है और दर्द को भी कम करता है और जो अकड़न होती है जॉइंट्स में उसको ठीक कर देता है, तो ज्यादा अकड़ अकड़ के नहीं चलते हैं हमारे जॉइंट्स। तो इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है और आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस से बच जाएंगे। तो रोसेट एक्सट्रैक्ट का दूसरा इंग्रीडियंट है रोसेट एक्सट्रैक्ट का काम क्या है, जो वो जॉइंट पेन को आराम देगा और जॉइंट का स्वास्थ्य भी अच्छा कर देगा, जो ऐठन है वो उसको कम कर देगा। विटामिन सी आप सबको पता है इम्यूनिटी भी अच्छा करता है और ये जो नेचुरल कोलेजन है उसको बनने की प्रक्रिया को भी अच्छा करता है। तो अगर आप ये चीज लेते हैं, कोलेजन कुछ आपको जा रहा है कोलेजन पेप्टाइड के फॉर्म में और विटामिन सी हेल्प करेगा कि वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए कोलेजन बॉडी में। कोलेजन के फायदे देखे गए हैं, आपके उत्तक अच्छे हो जाएंगे, मतलब हेल्दी टिश्यूज हो जाएंगे, आपके जॉइंट्स का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, जॉइंट्स अच्छा का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी और आपको दर्द सूजन सब खत्म हो जाएगा, जो ऐठन है और जो जॉइंट्स को घुमाने में मोड़ने में प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी और ये आपके नेचुरल कोलेजन को एब्जॉर्ब कराने में मदद करेगा और आपकी मसल्स का स्वास्थ्य भी अच्छा कर देगा। लेकिन ये मैंने एक प्रैक्टिकली दिया भी था, एक किसी को मेरे जानने वाले को मसल्स पेन था तो मैंने उनको दिया, 15 दिन में आराम आ गया, अब वो दूसरा सैशे भी ले रहे हैं। ये जो सैशे हैं ये इसे एक बॉक्स में आपको 15 मिलेंगे कि आपको 100 ml पानी में देना होता है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप इसको भी जल्दी जल्दी हॉट प्रोडक्ट में बनाइए और क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं इसके। अब देखिए अगला प्रोडक्ट है कर्क्यूमिन प्लस, ये इम्यूनिटी बूस्टर में भी काम करेगा बल्कि कार्सिनोजेनिक भी है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कर्क्यूमिन देखिए हल्दी में पाया जाता है, एक नेचुरल केमिकल है जो हल्दी में पाया जाता है। तो कर्क्यूमिन का यूज आयुर्वेद में बहुत टाइम से, सेंचुरी से, हजारों वर्षों से करा जा रहा है और क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक होता है और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य अच्छा रखता है। और हल्दी मतलब कर्क्यूमिन, हल्दी में कर्क्यूमिन पाया जाता है, ये कर्क्यूमिन की बात हो रही है। कर्क्यूमिन पूरे वर्ल्ड में अब जाना जा रहा है क्योंकि उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसके लिए सबको पता चल गया है कि इसका कितना बेनिफिट है।
ये कॉस्मेटिक के रूप में भी यूज होता है और फूड में, खाने में कलर देने के लिए और एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए भी यूज होता है। कर्क्यूमिन और हल्दी में क्या फर्क होता है वो आप इससे समझिए, स्लाइड से देखिए। जो टर्मरिक है मतलब हल्दी का पौधा जो होता है वो तो सबको, हम सबको पता ही है, हल्दी की गांठें आती हैं। तो देखिए हल्दी की गांठें जो आती हैं उसमें केवल 2 से 5% कर्क्यूमिन होता है। तो अगर हम ये सोचे कि किसी भी हल्दी में कितना कर्क्यूमिन होगा, तो एक्चुअल में जो हमें कर्क्यूमिन की मात्रा चाहिए उसके लिए हमें बहुत सारा हल्दी का पाउडर कंज्यूम करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हल्दी एक मसाले की तरह बहुत अच्छी अच्छा है, ऐसा मसाला बहुत अच्छा है, लेकिन कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए बेसिकली टर्मरिक एज अ स्पाइस काफी अच्छा है, लेकिन उसमें जो कर्क्यूमिन पाया जाता है उसके ही स्वास्थ्य के लिए फायदे होते हैं, स्वास्थ्य हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से फायदे होते हैं कर्क्यूमिन। अगर टर्मरिक हल्दी में से कर्क्यूमिन निकाल लिया जाए तो उसके हेल्थ पर्पस, हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होंगे। कर्क्यूमिन का काम क्या है, वो कर्क्यूमिन हमारी बॉडी को एक रक्षा करता है, बॉडी को बचाता है बाहर के बैक्टीरिया वायरस से, और अगर कोई भी डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ये एक कर्क्यूमिन हमारी सूजन कम करता है, कहीं पे भी अगर हमारी सूजन आई हुई है तो वो कम करता है। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अगर कहीं किसी को चोट लग गई है तो वो हल्दी का दूध पिए, बेसिकली वो हल्दी का महत्व नहीं है, हल्दी में जो कर्क्यूमिन पाया जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो ही आपकी सूजन कम करेगा और आपके दर्द में भी आराम लाएगा। तो ये कर्क्यूमिन जो है ये बहुत ही अच्छा काम करता है सूजन कम करने में, इट इज एंटी इंफ्लेमेटरी, और ये इतना पावरफुल है कि जो आपकी एलोपैथिक दवा होती है सूजन कम करने के लिए उनसे उनकी ज्यादा, उतनी ही ज्यादा ये इफेक्टिवनेस देता है, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथिक दवाओं का आपको पता है कि कहीं ना कहीं जाके नुकसान करती है, साइड इफेक्ट। तो देखिए जो हमारा कर्क्यूमिन प्लस है वैसी चीज का, उसमें आपको कर्क्यूमिन मिलेगा जो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब सूजन कम करता है, एनर्जेटिक मतलब पेन कम करता है, और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी, सांस लेने का सिस्टम भी अच्छा करेगा, और हमारा कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन मतलब हार्ट का, हार्ट से रिलेटेड फंक्शन भी अच्छा करेगा, हमारी जॉइंट्स की स्वास्थ्य और फ्लेक्सिबिलिटी को भी अच्छा करेगा, क्योंकि अगर कहीं भी सूजन होगी हमें कहीं महसूस भी नहीं हो रही है तो भी वो आराम करेगा। और दूसरी चीज है यहाँ अमला तानिन, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग के रूप में काम करेगा, आपका आपको जवान बना देगा। तीसरा इंग्रीडियंट है पाइपिन, इसमें जो हमारी पोषक तत्व होते हैं उनको अवेलेबल करा देता है, इसकी भी एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब सूजन कम करने की प्रॉपर्टी होती है, और ये हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा कर देता है, मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा हाजमा भी अच्छा कर देता है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन तीनों इंग्रीडियंट एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे फ्री रेडिकल जो है जिसकी वजह से हम बार बार बीमार पड़ सकते हैं उसको ठीक कर देगा, जितने ज्यादा ऑक्सीडेंट्स हमारे में जाएंगे तो वो फ्री रेडिकल्स खत्म हो जाएंगे। इसके बेनिफिट्स क्या है, ये इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, क्योंकि हमारी एक एंटीबॉडी बना देगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी कर देगा, और इसके हेपेटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स हैं, मतलब ये हमारे लिवर को भी प्रोटेक्ट करेगा, जो फ्री रेडिकल्स कभी कभी आ जाते हैं हमारे बॉडी में वो डैमेज करते हैं लिवर को। तो ये आपको, क्योंकि फ्री रेडिकल्स को ऑक्सीडेशन से जो ऑक्सीडेंट्स हैं वो खत्म कर देंगे, तो लिवर भी हमारा डैमेज से बच जाएगा। प्लस ये कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स में ये हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर देगा और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी कम कर देगा, जिससे कि हृदय का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। प्लस इसके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट्स हैं, इसका मतलब है कि ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा कर देगा, हमारा हाजमा अच्छा कर देगा। एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स, ये जो भी कोई बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, पैरासाइट भी एक बीमारी और बीमारी के जर्म्स होते हैं, और फंगी है, वो उनकी ग्रोथ बंद कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि हो सकता है हमने कोई ऐसा खाना खा लिया हो जिसमें कुछ इन्फेक्शन हो, तो ये वो माइक्रो बैक्टीरिया को भी हटा देगा।
ये कभी कभी हम एक्सरसाइज कुछ गलत कर लेते हैं जाने अनजाने में, तो उससे कभी कभी सूजन आ जाती है या मसल्स की हमारी में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये उसमें भी इफेक्ट करेगा, उसमें भी आराम करेगा और हमारी परफॉर्मेंस भी रिकवर कर देगा, जिससे कि हम एक्टिव रह पाएंगे। प्लस इसके एक फायदा और होता है, ये कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब कैंसर सेल्स को भी ये डिस्ट्रॉय करता है, तो ये सॉरी एंटी कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब ये कैंसर सेल्स को खत्म करता है। तो जिनकी अगर केमोथेरेपी चल रही है उनको ये दीजिए, केमोथेरेपी को बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। ये लेना होता है 1 से 2 कैप्सूल दिन में 3 बार खाने के बाद। अगला प्रोडक्ट है हेयर स्किन एंड नेल कैप्सूल। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और ये हमारे बाल स्किन और नेल्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको शायद प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये अभी भी कोल्ड प्रोडक्ट कैटेगरी में है। अब देखिए हमारा जो बाल है, स्किन है और नाखून है, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं और यही हमारी ब्यूटी, हमारी सुंदरता को दिखाते हैं। अगर बाल छोटे छोटे होंगे, कम होंगे, तो वो हमारी ब्यूटी नहीं होगी, या हमारी स्किन डल होगी वो हमारी ब्यूटी नहीं होगी, या नाखून हमारे टूटे हुए होंगे, क्रैक्स आए हुए होंगे, वो हमारी ब्यूटी नहीं होगी। तो अगर हम ये तीनों चीज़ों देखें, ये डैमेज स्किन है, डैमेज हेयर्स है और क्रैक्स आए हुए नेल्स में, ये हम हमारी सुंदरता को डिस्ट्रॉय करते हैं, हम सुंदर नहीं लग पाते। तो देखिए एक स्टडी के अनुसार 73% लेडीज ऐसी हैं जो अपनी उम्र के हिसाब से, एक्चुअल हिसाब, एक्चुअल जो उनकी एज है उससे ज़्यादा ओल्ड लगती है। ये केस जेंट्स में भी है, जेंट्स लेडीज दोनों में है। तो देखिए परसीव एज का मतलब क्या है, परसीव एज का मतलब है कि आपकी एज से आप दिखते कितने एज के हैं, आपकी और वो डिपेंड करता है आपकी बाल स्किन और नेल्स पे। अगर आप उम्र 20 साल है, अगर आपकी ये तीनों चीज़ें डैमेज हैं, तो आपकी 20 साल की उम्र 30 साल की लगेगी। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका एक्चुअल एज, परसीव एज आपकी एक्चुअल एज पे ला देगा, हो सकता है उससे नीचे भी ला दे, तो आप और जवान दिखने लगेंगे। तो देखिए यही हेयर स्किन एंड नेल्स मेन रीजन होता है जिससे कि आप अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा बूढ़े दिखते हैं, ओल्ड एज दिखते हैं। ये तीनों चीजें डैमेज क्यों होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो हम सूरज की किरणों से हानिकारक होती हैं, उससे ये डैमेज हो सकते हैं, हमारा न्यूट्रिशन अच्छा ना हो, हम ठीक से डाइट अच्छी ना ले रहे हो, स्ट्रेस हो, अगर हमारी जिंदगी में कुछ स्ट्रेस है, या कभी कभी हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, लेडीज जेंट्स दोनों में हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होने लगता है या स्किन डल पड़ जाती है, या कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर हुआ हो, कभी हम बीमार पड़े हों, एक एज मेजर फैक्टर है, या अगर एज ज़्यादा हो जाती है तब एज के साथ साथ ये तीनों चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, अगर आप ज़्यादा पॉल्यूटेड, जैसे NCR DNCR का तो पॉल्यूटेड एनवायरमेंट है ही, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है, बालों की, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, स्किन डल है और नेल्स में भी क्रैक आ गए हैं। तो देखिए इसी को सॉल्व करने के लिए, यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारा वैसी हेयर स्किन एंड नेल कैप्सूल्स है, जिसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, बोरेज ऑयल है, अमीनो एसिड्स है और मल्टी विटामिन और मिनरल्स है, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी हैं। तो देखिए बोरेज ऑयल का काम क्या होता है, ये हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है और उसको मॉइस्चर प्रदान करता है, मतलब ड्राई फील नहीं होने देता। तो अगर स्किन में कहीं सूजन है उसमें भी ये प्रिवेंट करेगा, उसको रोकेगा। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें तो एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो बीमारियों का कारण होते हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देते, उनको ये नष्ट करेगा और हमें अंदर से जवान बना देगा, अंदर से बाहर से दोनों से जवान बना देगा, इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो देखिए हेयर स्किन एंड नेल करेगा क्या, ये आपका स्किन डैमेज को रोकेगा फ्री रेडिकल्स द्वारा, फ्री रेडिकल्स को स्किन डैमेज नहीं करने देगा, आपकी स्किन में मॉइस्चराइज रखेगा उसको और स्किन में एक ग्लो आ जाएगा, स्किन का कहीं सूजन है वो भी कम कर देगा और आपके एजिंग को भी कम कर देगा, मतलब आप जवान दिखने लगेंगे, अगर आप परसीव एज आपकी ज़्यादा लग रही है तो उसको कम कर देगा, आप जवान दिखने लगेंगे, आपके बालों की डेंसिटी भी अच्छा कर देगा, अगर आपका हेयर फॉल है वो काफ़ी हद तक ये रोक देगा, और अगर आपके बाल जल्दी जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं उसको भी ये सफ़ेद होने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कर देगा, अब देर से होंगे आपके।
तो आपके हेयर स्किन और नेल्स का भरपूर पोर्शन है ये कैप्सूल्स, तो ये हर किसी को लेना चाहिए। तो ये देखिए जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए है, और इसकी डोसेज है 2 कैप्सूल्स अ डे, 2 कैप्सूल आपको लेने दिन में खाने के बाद। देखिए जहां पे भी मैं खाने के बाद बोल रहा हूँ उसका मतलब है आधा खाने के आधा घंटे बाद, अगर कहीं पे भी मैंने खाने से पहले बोला है उसका मतलब है आधा खाना खाने से आधा घंटे पहले। अगला प्रोडक्ट है वेस्टीज आई सपोर्ट कैप्सूल, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। देखिए हमारी आंखें हैं हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का, और हमारी तो बिना आंखों के लिए हमारा चलना और कुछ भी काम करना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ लोगों को अपनी आंखों भारतीय तो सब कर लेते हैं, मतलब बाकी सब पार्ट्स का तो रिलाइज हो जाता है, लेकिन आंखों की प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देते हैं, और ध्यान ना देने की वजह से कुछ बीमारियां हो जाती हैं। ग्लूकोमा एक बीमारी है, या अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी आईज में प्रॉब्लम हो जाती है, या एक मैकुलर पार्ट होता है आंखों का वो डीजेनरेट हो जाता है, जिससे कि हमें पता भी नहीं चलता लेकिन धीरे धीरे चल के आंखों की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। तो हम जैसे अपने बॉडी का हेल्दी रखते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं, तो हमें अपनी आंखों का भी आंखों के स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए। तो इसमें इसमें मैरीगोल्ड मतलब गेंदे के फूल और बिलबेरी का एक्सट्रैक्ट होता है जो आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें प्लस ल्यूटिन और जिएक्सेंथिन भी होता है, जिससे आपकी आईसाइट अच्छी होती है। नाइट जिन लोगों को रात को नहीं दिखाई देता है उसमें भी ये फायदा करेगा, और आंखों में किसी भी टाइप की इरिटेशन हो रही है, किसी भी टाइप की बीमारी हो रही है उसमें भी ये आराम करेगा। इसमें देखिए जैसे मैंने बताया मैरीगोल्ड फ्लावर मतलब गेंदे के फूल का एक्सट्रैक्ट है, ये आंखों में अगर कोई सूजन आई भी है उसको कम कर देगा, और कंजक्टिविटीज एक बीमारी होती है आंखों की उसको भी खत्म कर देगा। बिलबेरी फ्रूट एंटीऑक्सीडेंट देगा, इससे आपकी आईसाइट अच्छी होगी, और जो आंखों की बीमारियां होती हैं मैकुलर डीजनरेशन जिससे कि आंखों में सूजन आ जाती है और दर्द होने लगता है वो भी ये कम कर देगा। तो ये आपका काफी हद तक आपका नंबर भी कम कर देगा आंखों का, अगर आंखों में नंबर है तो कम कर देगा, और आपको रात में भी जिन लोगों को रात में नहीं दिखता है वो नाइट ब्लाइंडनेस है उसमें भी आराम करेगा, और आंखों में किसी भी टाइप की इरिटेशन है उसको भी ठीक कर देगा, और जो मैकुलर डीजनरेशन आई इन्फ्लेमेशन मतलब आंखों में सूजन और आंखों की जो रेटिना होती है उससे रिलेटेड काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें भी ये मदद करेगा। मोतियाबिंद होने से रोकेगा, जो इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो आपका फ्री रेडिकल्स, देखिए फ्री रेडिकल्स बहुत ही सेहत के लिए हानिकारक होती है, तो इसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हैं, तो आप ये लीजिए जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो इसको लेना कैसे है, ये आपको दिन में 2 कैप्सूल लेने हैं खाने के साथ, खाने के पहले नहीं खाने के बाद नहीं, खाने के साथ आपको लेना। देखिए नेक्स्ट प्रोडक्ट है मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर, ये काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है। देखिए अभी तक हम अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान देते थे, अब हमें अपने वाहनों का स्वास्थ्य भी देखना है, क्योंकि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है, अगर हम कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम उसका खर्चा कम कर सकें तो उससे बेटर और कोई बात नहीं है। ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था फिर कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, अब सभी सेंटर्स में आ चुका है, तो आप इसको अब ध्यान से समझिए क्योंकि ये बहुत ही जल्द हॉट सेलिंग प्रोडक्ट बनने वाला है। बीच में इसकी रफ्तार कम हो गई थी क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक था, लेकिन अब फिर से स्टॉक में आ गया है और ये बहुत रफ्तार पकड़ने वाला है, ये आप जरा ध्यान से समझिए। हमारी इंजन की हेल्थ जरूरी क्यों है, क्योंकि जिससे कि उसकी लाइफ अच्छी हो और जल्दी जल्दी ब्रेकडाउन ना हो, क्योंकि एक टाइम के बाद आपने देखा होगा कि अगर वाहन ज़्यादा पुराने हो गए हैं तो वो जल्दी जल्दी ब्रेकडाउन होने लगते हैं, जल्दी जल्दी सर्विस सेंटर पे जाना पड़ता है। ये अगर इसे इंजन की हेल्थ अगर अच्छी होगी तो वो एक अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, और स्पीड भी आपकी अच्छी बनी रहेगी, मतलब आपका एवरेज भी अच्छा रहेगा, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, और आपकी अगर इंजन मेंटेन रहेगा तो आपकी कार की वैल्यू भी सही रहेगी, वरना जब आप कार सेल आउट करने चलेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर का काम क्या है, ये इंजन ऑयल के साथ डलता है, ये इंजन ऑयल नहीं है, ये इंजन ऑयल के साथ डलता है। ये आपके इंजन में एक प्लैटिनम सिरेमिक कोटिंग बना देगा और जिससे कि वो इंजन जो वॉल है वो आपकी स्मूथ हो जाएगी, जिससे ज्यादा पावर
दे पाएगा और ज्यादा माइलेज होगा, मतलब ज्यादा एवरेज हो जाएगा। तो देखिए होता क्या है, जब पिस्टन मूव करती है तब वो वॉल्स से रगस खाती है और रगस खा के जो इंजन की वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है। डैमेज होने के चक्कर में वो धुआं ज्यादा देने लगता है, पॉल्यूशन ज्यादा होने लगता है, प्लस उसका पेट्रोल डीजल भी वो ज्यादा खाता है। मैग्ड्राइव नैनो एनर्जाइजर एक कोटिंग बना देगा जिससे कि इंजन की वॉल्स सब स्मूथ हो जाएंगी और माइलेज आपका 15% तक कम हो जाएगा, आपका पेट्रोल डीजल का खर्चा 15% तक कम हो जाएगा, आपका पिकअप भी अच्छा हो जाएगा। ये टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों के लिए है। आपका जो आवाज होती है या वाइब्रेशन होती है वो भी कम कर देगा वाहन में, और आपका ओवरऑल एमिशन 70% तक कम कर देगा, इको फ्रेंडली भी बना देगा। अगर आपका वाहन BS4 है तो ये BS6 के मुताबिक आपको एफिशिएंसी देगा। आप ये टेस्ट करा के देख सकते हैं, पॉल्यूशन चेक करा लीजिएगा, पॉल्यूशन चेक करने वाला ही अच्छा से करेगा कि आपका BS4 है तो ये BS6 इंजन का कैसे आउटपुट दे रहा है। और सिंगल कोटिंग अगर आप एक बार ये यूज करते हैं तो ये 30,000 किलोमीटर तक आपको दोबारा नहीं डालना है, ये कोटिंग बनी रहेगी। इससे फायदा क्या होगा कि आपको बार बार सर्विस सेंटर नहीं जाना होगा, आपका पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा, आपको सर्विस स्टेशन पे छोड़ना लाना वो भी आपका बचेगा। नैनो एनर्जाइजर पेटेंट टेक्नोलॉजी है और ये काफी सारे मेजर मैन्युफैक्चरर्स ने सर्टिफाई कर रखा है, मर्सिडीज बेंज, वोल्वो, ऑडी, किया मोटर्स, टोयोटा, होंडा, हुंडई और GMW। तो देखिए इतने सारे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स ने रिकमेंड करा हुआ है इस प्रोडक्ट को। और इसको डालना कैसे है कि जब भी आपका इंजन ऑयल चेंज हुआ है तब आप इसको डालिए। अगर अभी रिसेंटली इंजन ऑयल आपने डलवाया है या आपके इंजन में ऑयल सही मात्रा में है तो आप इसको मैग्ड्राइव नैनो एनर्जाइजर को डालिए। और डालने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा 50 बार जो पाउच है उसको शेक कर लीजिएगा, और फिर जो आपका ऑयल है जहाँ पे इंजन ऑयल डलता है उसको कैप को खोलिए और ये धीरे धीरे नैनो एनर्जाइजर डाल दीजिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 20 मिनट तक आप उस व्हीकल को छोड़ दीजिएगा, यूज मत करिएगा, लेकिन अगर यूज करना ही है तो कम से कम आप 30 किलोमीटर पर ड्राइव करिएगा, तब से पहले आप उसको छोड़ दीजिए, 20 मिनट बाद यूज करिए। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंजन ऑयल आपको फिर ये डालने के बाद चेंज नहीं कराना है। अगर आपका टू व्हीलर या थ्री व्हीलर है तो 400 किलोमीटर तक चेंज नहीं कराना है, अगर आपका फोर व्हीलर है तो आपको 1200 किलोमीटर तक चेंज नहीं कराना है। तो मतलब ऐसा नहीं कि डाल के आप सर्विसिंग नहीं करा सकते, टू व्हीलर या थ्री व्हीलर है तो 400 किलोमीटर की रन पे आप इसको चला सकते हैं, इसको सर्विसिंग करा सकते हैं, और फोर व्हीलर के लिए 1200 किलोमीटर है। तो देखिए दो टाइप के प्रोडक्ट हैं, आप डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा नैनो एनर्जाइजर चाहिए। अगर आपका 600 cc से ज़्यादा का इंजन है तो आपको फोर व्हीलर वाला लेना है। अगर आप किसी व्हीलर का ऐसा नहीं कि केवल ये वाहनों के लिए है, अगर आप किसी भी मशीन में डालेंगे तो उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी हो जाएगी। कितना डालना है ये भी आप देख लीजिए। अगर आपकी इंजन वाहन के इंजन की कैपेसिटी 10 लीटर है तो आपको 30 ml का केवल एक पाउच डालना है, जो एक नैनो एनर्जाइजर है उसमें 30 ml की पैकेट। इसके बाद जो भी 10 लीटर एक्स्ट्रा होगा, मतलब 20 है तो 20 लीटर की इंजन कैपेसिटी है तो आपको 30 ml का दो पाउच डालने होंगे। तो देखिए ये बेहतरीन प्रोडक्ट्स की मैंने आपको जानकारी दी है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और आप तो देखिए ये सब आप हमारे पे डिपेंड करता है कि हम ये कोल्ड प्रोडक्ट कैटेगरी में को हॉट सेलिंग प्रोडक्ट बना दें, लेकिन ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो ये भी हमें ज्यादा से ज्यादा सजेस्ट करना चाहिए, और मुझे लगता है कि आज आपको नॉलेज मिल गई होगी। तो आप ये जो छुपे हुए प्रोडक्ट हैं ये एक खजाना है, इस खजाने को भी आप खोलेंगे और इनका भी यूज करेंगे, लोगों को बताएंगे, और सबसे पहले तो खुद ही यूज करना चाहिए। तो थैंक यू, आप सब टाइम निकाल के आए। अब मैं आप सबके बीच बुलाना चाहूंगा कमर सिंह सर को, जोरदार तालियों के बीच स्टार डायरेक्टर कमर सिंह सर। Thank you very much.
गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाम कमल सिंह। सर ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और उन प्रोडक्ट्स के बारे में स्पेशली बताया जो मुझे लगता है कि हम में से काफी लोगों को बहुत चीजें इसके बारे में नहीं पता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी कुछ चीजों की नॉलेज नहीं थी, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि जब भी हम इन चीजों को कवर अप कर रहे थे तो इतना डिटेल में इससे पहले कवर अप नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमने इस वीक पूरा इसको शुरू किया मंडे से फ्राइडे कि हम आपको उन प्रोडक्ट्स की नॉलेज दे सकें जो बहुत ही बेस्ट हैं क्वालिटी में और अभी लेटेस्टली ओपन हुए हैं अगले पिछले या तो 6 महीने के अंदर या पिछले 2 महीने में। और कुछ प्रोडक्ट तो इनमें ऐसे थे जो अभी लॉकडाउन में ही लॉन्च हुए। और दूसरा, जैसे सर ने आपको बताया कि देखिए कोई भी चीज जब स्टार्टिंग में लॉन्च होती है तो उसके बारे में अवेयरनेस या नॉलेज थोड़ी कम होती है, तो हम उसके बारे में या तो खुद भी नहीं जान पाते और लोगों को नहीं बता पाते। तो इसलिए इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको दी गई। पूरा कंप्लीट जो हमारा वीक था वो इसी में कंप्लीटली गया। और मैंने कल भी आपको बोला है कि अगर कुछ प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको लगता है कि आपको नहीं हो पाई है या आप उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। दूसरा, जो भी आप बोलेंगे एक एक करके आप लोग भी नेक्स्ट वीक कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद कुछ ट्रेनिंग्स आप दे सकें, आप टॉपिक पूछ सकते हैं अगर आप ट्रेनिंग देने के इच्छुक हैं। उसी के साथ साथ मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जब आप यूज करेंगे तो अगर आपने यूज किया तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और आज एक अच्छी चीज ये है कि देखिए हर किसी के पास कहीं ना कहीं 2-व्हीलर और 4-व्हीलर यूज करने वाले पर्सन्स हैं। अभी तक कंपनी सिर्फ हमारी हेल्थ पे काम करती थी, अब कंपनी ने हमारे व्हीकल्स की भी हेल्थ के बारे में सोचा है। जैसे हम सप्लीमेंट यूज करते हैं कि जिससे हम बीमार ना पड़े, अगर मैं बात करूं जैसे हम लोग पेस्ट करते हैं नॉर्मली, हम क्यों करते हैं कि हमारे जो दांत है वो खराब ना हो, उसी तरीके से हम सप्लीमेंट यूज करते हैं कि हमारी ओवरऑल बॉडी ठीक रहे, हम लोग बीमार ना पड़े। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपके जो भी आपके पास व्हीकल है 2-व्हीलर 3-व्हीलर 4-व्हीलर उसका आपका जो है इंजन जो है वो बहुत अच्छे से नए की तरह काम करता रहे और आपका जो व्हीकल है वो बीमार ना पड़े, तो उसको भी ध्यान रखते हुए कंपनी ने आपके लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। और अभी हो सकता है नेक्स्ट मंथ अभी कुछ काफी प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, जैसे हैंड सैनिटाइजर अभी उसके बारे में आ रहा था वो भी कमिंग सून है, एक न्यू शॉप है वो भी कमिंग सून है। और एंड ऑफ दिसंबर तक करीब 200 से 250 प्रोडक्ट हमारे और नए लॉन्च हो जाएंगे। ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, टोटल जो रेंज है वो करीब 700 प्लस हो जाएगी ओनली वेस्टर्न प्रोडक्ट। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा आप इन प्रोडक्ट्स की आप नॉलेज लीजिए, इनके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा अवेयर कीजिए। और यूट्यूब चैनल है रजनीश सर का, रजनीश अग्रवाल के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग उसका लिंक भी शेयर करते हैं। आप अपने अप्लाइंस से आप संपर्क कीजिए, वो आपको उसका लिंक शेयर कर देंगे, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नॉर्मली हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगी। और उसके बाद क्या है कि आप उसको समझिए और अपने बिजनेस को आप बढ़ाइए। देखिए कंपनी जो है बेसिकली फोकस कर रही है IBO पे, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, यानी आपको पूरी नॉलेज प्रोडक्ट्स की आपको मिल जाए। लेकिन उसी के साथ साथ एक चीज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, देखिए होता क्या है कई बार तो हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जानबूझ के इन चीजों को अवॉइड करते हैं कि जी हमें प्रोडक्ट यूज नहीं करनी। देखिए जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, जिसे रिटेल प्रॉफिट या सेविंग ऑन कंजम्पशन बोला जाता है, तभी आपको पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स पे ही आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। अगर आपने लेवल अचीव किया तो आपको डायरेक्टर बोनस ही मिलेगा, यानी अगर आप खरीदारी नहीं करते हैं तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। और हो सकता है आप कल को ये बोलें कि जी मैंने भी वेस्टेज किया था, मुझे तो इनकम नहीं आई, पता नहीं सामने वालों को कैसे आती है। और कुछ लोगों को मैं ये कहूंगा, हो सकता है आप लोगों की टीम में कुछ ऐसे भी शख्स होंगे जो कुछ टाइम से ज्वाइन होंगे, उन्होंने एक आध बार बिल कराया होगा, एक बार दो बार चार बार, लेकिन पिछले काफी टाइम से बिल नहीं करा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप उनको सीधा बोलिए कि सर देखिए अगर आप करने के इच्छुक हैं तो आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, क्योंकि देखिए कंपनी तभी आपको पैसा देगी जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे। अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई इंसान ये प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा होगा, साबुन शैम्पू हेयर ऑयल
ये कुछ ऐसी चीजें, टी, कुकिंग ऑयल, ये नीड है। एक लॉकडाउन के अंदर भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम लोगों को इसकी जरूरत थी और एसेंशियल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं और हम लोगों ने इनको यूज किया। इवन गवर्नमेंट ने इनकी सप्लाई बंद नहीं की, चाहे कंटेनमेंट जोन हो वहां पे भी लोगों को अवेलेबल कराया। तो अगर कोई शख्स बोलते हैं कि मेरे को प्रॉब्लम है या मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ लूंगा, नेक्स्ट मंथ लूंगा, नेक्स्ट मंथ लूंगा, तो सर आई एम रियली सॉरी, आप उनको प्लीज एक चीज बता दीजिए कि सर अगर आप यहाँ के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो ही आप इसके प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट आप जान पाएंगे और तभी आप किसी दूसरे को आप बता पाएंगे। अगर आप इसके प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं तो आपको यहाँ से कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि उन्होंने अपना एनरोलमेंट करा लिया किसी स्कूल में या किसी कोचिंग क्लासेज में या किसी कॉलेज के अंदर, और वो क्लास अटेंड करने नहीं गए, और जब एग्जाम होता है तो होता क्या है, उन्हें कुछ आता नहीं है, फिर वो बोलते हैं जी इंस्टीट्यूट गलत है, आपका स्कूल गलत है, कॉलेज गलत है। देखिए किसी भी चीज में एडमिशन इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपको करना पड़ेगा काम। जैसे अगर आप गाड़ी सीखने जाना चाहे, कार ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, अगर आप वहां एडमिशन करा लें और फिर आप क्लासेज अटेंड करने ना जाएं, आप उसको सीखने ना जाएं, तो मुझे लगता है कि उसमें आपको कभी आप सीख पाएंगे। या कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं कि वो ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठते, वो कंडक्टर सीट पे बैठ जाते हैं। यानी आप अपने किसी भी साथी के साथ या सीनियर के साथ आप ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं लेकिन आप खरीदारी नहीं कर रहे। तो ये उसी तरीके से होगा कि जैसे मान लीजिए मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और एक हमारे बिजनेस पार्टनर है जो हमारे साथ में बैठे हुए, वो अगर अगले 20 साल तक भी साथ साइड में बैठे रहेंगे तो उन्हें कभी भी गाड़ी चलानी नहीं आएगी। गाड़ी आपको तभी चलानी आएगी जब आप उसको खुद ड्राइव करेंगे, यानी जब आप खुद अपनी शॉप आप चेंज करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स की आपको नॉलेज होगी। हमने कोशिश की है इस वीक कि आपको एक बहुत अच्छी, एक अच्छे एनवायरमेंट के अंदर, एकदम बहुत पीसफुल माहौल में आपको पूरे प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी जाए। उसमें कहीं ना कहीं हम थोड़े सफल हुए हैं और अब मेरा आप सभी को सजेशन है कि आप अपनी शॉप चेंज कीजिए, प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। इस मंथ की जो क्लोजिंग थी वो क्योंकि बहुत जगह बाढ़ आ रखी है, कुछ जगह लॉकडाउन की स्थिति है, तो कल तक आपकी क्लोजिंग बढ़ चुकी है। और मैं अब आपसे यही बोलूंगा, क्योंकि यूपी में तो काफी जगह पे क्लोजिंग है, कल आपको एक और बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी इसी टाइम, कैसे आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट मंथ डबल ट्रिपल फोर टाइम आप बढ़ा सकते हैं। तो कल ओनली फॉर ज्वाइंट पर्सन्स है, और ज्वाइंट पर्सन्स के साथ साथ मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि अगर किसी शख्स का बिल नहीं हुआ है तो प्लीज रिक्वेस्ट है वो कल ज्वाइन ना करें ट्रेनिंग, क्योंकि कल उन्हीं लोगों के लिए ट्रेनिंग है। देखिए उन्हीं का हम शेड्यूल बना सकते हैं जो इसके लिए सीरियस है, यानी जिन्होंने अपनी खरीदारी की है। तो आप उसी हिसाब से आप शेयर कीजिएगा। आप सभी को रिक्वेस्ट है कल जो ट्रेनिंग होगी उसका नया आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ उसे शेयर करना है जिन्होंने अपनी बिलिंग कराई है और इस बिजनेस में आगे सीरियस हैं, इस बिजनेस को करना चाहते हैं। दूसरा मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करूंगा, देखिए मैं प्लीज पर्सनली मत लीजिएगा, आप लोग जब भी ज्वाइन करते हैं तो प्लीज आप अपना माइक म्यूट रखिए, और बीच बीच में कई बार लोगों के माइक ऑन हो जाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उसको प्लीज माइक को म्यूट रखिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी होता है और उससे क्या होता है कि सभी का डिस्टर्बेंस होता है, जो ट्रेनर होता है बेसिकली उसका भी कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाता है। तो आप थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिए, आप लोग पॉजिटिवली इस बिजनेस को कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों को बोल रहे थे सर हमें 8:30-9 बजे के बाद ट्रेनिंग चाहिए, तो वो भी आपको मिल सकती है अगर आप वाकई में इस बिजनेस को करना चाहते हैं। तो कल आपको ट्रेनिंग मिलेगी, और जितने भी आपकी टीम में ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने आपने उनको बताया और उन्होंने खरीदारी नहीं की है, तो आप उनको एक बार इन्फॉर्म कीजिए, बस ज्यादा उनको परेशान मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो हवा पानी पे चल रहे हैं, उनको जरूरत ही नहीं है प्रोडक्ट्स की। तो ऐसे इंसान को आप नहीं करा सकते, क्योंकि जो इंसान चाय पत्ती, साबुन, पेस्ट ये सब यूज नहीं करता उसके लिए ये बिजनेस नहीं है, ये उस शख्स के लिए बिजनेस है ही नहीं, और ना उसको दुनिया में फिर किसी चीज की जरूरत है। अगर कोई शख्स ऐसे है कि जिन्होंने कुछ टाइम पहले खरीदारी की थी, अब वो खरीदारी नहीं कर रहे, तो सर ये बिजनेस उनके लिए भी नहीं है।
क्योंकि अगर 6 महीने पहले किसी ने 500, 1000 या 2000 का सामान लिया तो मुझे लगता है वो अभी तक उनका चल रहा होगा। उसी के साथ साथ जो लोग अपनी 100% शॉप चेंज करना चाहते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हो सकता है अपनी शॉप चेंज नहीं की हो, तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आपका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है वो आपको खुद पता होगा। आप 100% अपनी शॉप चेंज करके देख लीजिए, अगस्त के मंथ में आपको बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। कल की जो ट्रेनिंग होगी वो बहुत बेहतरीन होगी, आपको बहुत सिंपल चीजें बताई जाएंगी और आप उस सिस्टम को फॉलो करेंगे। हम डेली इस चीज को सॉफ्टवेयर से हम ऑटोमेटिक चेक करेंगे कि आप उस सिस्टम को कितना फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया, देखिए जुलाई मंथ में मैंने कुछ लोगों से टारगेट के लिए बोला था, कुछ लोगों ने टारगेट भेजे और उनका बिजनेस इंक्रीज हुआ। शायद एक दो लोगों को अगर मैं छोड़ दूं तो एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसका टारगेट नहीं हो पाया। कुछ लोग क्या है, कुछ लोगों ने टारगेट शेयर ही नहीं किया, उनका बिजनेस उसी तरीके से जैसे उन्होंने शेयर नहीं किया। अगर आप चाहते हैं आप कल की ट्रेनिंग में आइए, जो भी ज्वाइन पर्सन हैं और एक्टिव पर्सन जिनकी अगर आज तक बिलिंग नहीं हुई तो कल अपनी बिलिंग करा लें, तभी वो प्लीज इसमें आए, अदरवाइज इनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप सीरियस हैं तभी आप इसमें फायदा आपको मिलेगा, अदरवाइज आप ऐसे ही आते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आप अपनी खरीदारी नहीं करेंगे तो आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इन प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लीजिए, सीखिए, इन्हें यूज कीजिए, इनकी हमें आपको भी जरूरत है। जैसे सर ने बोला हेयर एंड नेल्स, मैंने इसको एक बार यूज किया है, फिर दोबारा मैंने इसको कंटिन्यू किया थर्ड टाइम, फिर क्योंकि कुछ और नए प्रोडक्ट्स आ गए थे और मेरी कोशिश होती है नए नए प्रोडक्ट्स को यूज करने की, ठीक है। तो अभी मैं इसको दोबारा यूज करने वाला हूँ क्योंकि सर ने आज इसके कुछ ज्यादा अच्छे फायदे बता दिए, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इससे ज्यादा दिखूं और मैं नहीं चाहूंगा कि आप में से कोई भी दिखे और आपकी फैमिली में कोई भी दिखे। तो और जब आप खुद कम दिखेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग इंप्रेस होंगे और वो आपके बिजनेस में आपके साथ आना चाहेंगे कि हाँ वाकई में एक अच्छा बिजनेस है। तो मैं फिर दोबारा आपको बोलूंगा, यूज द प्रोडक्ट पे आप लोग फोकस कीजिए, 100% यूजर बनिए, आप खुद देखेंगे कि आपका बिजनेस। देखिए होता क्या है, लोग ये सोचते हैं कि मेरी टीम मेरे लिए काम करेगी। सर आप अपने लिए काम कीजिए, आप अपनी शॉप चेंज कीजिए, और जब आप अपनी शॉप आप चेंज करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। आप देखिएगा जैसे ही कल आपको ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद परसों से आप देखिएगा हर लीडर अपना डेली परफॉर्मेंस आपको दिखाएगा। मैं डेली आपको अपना परफॉर्मेंस दिखाऊंगा कि मैंने आज कितना काम किया, मैंने कितने प्लान किए, लेकिन उन्हीं को दिखाया जाएगा जो ट्रेनिंग मीटिंग में आते हैं और अपना बिल कराते। मैं और किसी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को, क्योंकि एज ए सीनियर अभी अगर मैं बात करूं आप सभी का मैं अप्लाइंग हूं, तो मैं आपको एक एक दिन का आपको परफॉर्मेंस दूंगा। आज मैंने अगर प्लान नहीं किया तो 0, अगर मैंने किसी को इन्वाइट नहीं किया तो 0, अगर मैंने प्रोडक्ट यूज किए तो कितने किए वो मैं आपको डेली इन्फॉर्म करूंगा, और मैंने कितने लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आपको लग रहा हो कि भाई आपसे हम डिटेल मांगते हैं लेकिन हम नहीं देते, तो आप अपना एक टारगेट बनाइए, आपके पास 24 आवर का टाइम है, और बहुत अच्छी प्लानिंग हम करेंगे, आपके साथ बिजनेस करेंगे, और ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, आप बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। जिन लोगों ने लास्ट मंथ जुलाई में अपना शेयर किया था और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग काम किया, जिन लोगों ने लगातार अपडेट किया, हमने उनको लगातार उनको सपोर्ट दिया, उनको सजेशंस दिए, कुछ लोग ऐसे भी रहे कि जिन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे शेयर किया टारगेट, एक दो दिन मैंने फॉलो किया तो उन्होंने मेरे को बताया, उसके बाद उन्होंने बताना बंद कर दिया, एक्सक्यूज देने शुरू कर दिए कि सर हम यहाँ बिजी थे, हम वहां बिजी थे, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तो पूरे दिन ही फ्री रहता हूँ। चलिए थैंक यू, आप सभी ने टाइम दिया, और किसी को सर अगर बात बुरी लगी हो तो मैं एक चीज बोलूंगा, अच्छा है अगर आपको बात बुरी लगी। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा घोड़े को दौड़ते हुए, घोड़ा जब दौड़ता है या जीतता है ना तो वो तभी जीतता है जब उसको कुछ चीज चुभती है, और आप सबको पता होगा कि उसको जब चुभाया जाता है ना तो बहुत तेजी से दौड़ता है। अगर आप नॉर्मली आप किसी को बोलो ना कोई नहीं भागता, लेकिन अगर किसी को आप ढंग से
अब मैं समझा सकता हूँ क्या, आपको पता भी है, एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो अगर किसी को आगे बढ़ना है तो उसे कुछ ना कुछ चुभना पड़ेगा। चुभना इन द सेंस, आपको ये चुभन हो सकती है कि मेरा ये टारगेट है, ये मुझे अचीव करना है, या ये कोई काम है, ये मुझे ये सफलता जो मुझे कहीं से नहीं मिल रही वो मुझे यहाँ से पूरी करनी है, क्योंकि यहाँ पे लोग ऑलरेडी अचीव कर रहे हैं। और बाकी तो देखिए बहुत चीजें हैं, क्योंकि मैं बोलता चला जाऊंगा, आप सुनते रहेंगे, लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही आपको फायदा होगा। अगर मेरे बोलने से और आपके सुनने से काम होता तो शायद आप लोगों का बहुत अच्छा बिजनेस हो चुका होता। आपका अपना बिजनेस है, आप एक्शन लीजिए, ट्रेनिंग आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी, कल का आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, और जितने भी पर्संस हैं आपकी टीम में और आप खुद, आप कल आइए, जितने भी एक्टिव पर्संस हैं वो आए और अपना बिजनेस शुरू करें। आप सभी को थैंक्स अगेन, आपने टाइम दिया, आप आए, आपने बिलीव किया सिस्टम पे और इस बिजनेस को आपने शुरू किया। अगर आपने बिलीव किया, इसका मतलब आप कुछ करना चाहते हो और आपको अपने ऊपर विश्वास है। जैसे अभी एक फुटबॉलर है, आप लोग शायद बता सकते हैं, जब वो स्कूल टाइम में थे तो उनकी टीचर उनको बिठा बिठा के यही बोलती थी करीब एक एक घंटे कि आप जो है फुटबॉल मत खेलिए, ये आपको खाना नहीं देगी। लेकिन आज वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट फुटबॉलर है, सबसे रिचेस्ट, नाम आप सर्च कीजिएगा आपको पता चल जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, देखिए उसके टीचर को बिलीव नहीं था, हो सकता है हमें आप पे बिलीव ना हो, लेकिन आपका अपने ऊपर बिलीव होना जरूरी है, क्योंकि आपको खुद ही आप कामयाब करेंगे, दुनिया की और कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको है, हम आपको ट्रेंड कर सकते हैं, काम आपको करना है, हम आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज दे सकते हैं, खरीदारी आपको खुद करनी पड़ेगी। आपका अपलाइन इतना सपोर्ट कर सकता है कि आप अपना ऑर्डर और अपना, अगर वैसे तो आज डेट में आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए आपको मिल जाएगा, सिर्फ वो आपको बता सकता है, आपको गाइड कर सकता है, सिर्फ वो आपका मार्गदर्शक है, आपको बता सकता है कि आप इस काम को ऐसे कीजिए, करना आपको ही होगा। इसीलिए आपका अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि आपको सफल होना है या नहीं। सफल होना है, मेहनत कीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लॉकडाउन में भी नहीं रुक पाया। लॉकडाउन में हर महीने 10 तारीख को हर इंसान का पे आउट उसके अकाउंट में पहुंचा, और बहुत लोगों को पता होगा, हमारे साथ अभी एक दो शख्स ज्वाइन भी हैं इस टाइम ट्रेनिंग के अंदर, जो लोग जॉब कर रहे थे और उनको सैलरी अभी तक नहीं मिली। लेकिन वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कर रहा है, यानी वो ऐसे बहुत बड़े पैंडेमिक के लिए भी वो ऑलरेडी पहले से रेडी था, पूरी प्लानिंग थी, कहीं पे प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज नहीं हुई, कहीं पे डिलीवरी का इशू नहीं हुआ, कहीं कहीं हुआ होगा 5-10 दिन का, क्योंकि जब कंटेनमेंट जोन था, पूरा प्रॉपर लॉकडाउन था, तब भी बिजनेस बहुत अच्छा हुआ। आज बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, आप लोग कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके सीनियर का पे आउट आ रहा है तो सर उससे मोटिवेट मत होइए, आप ये कोशिश कीजिए कि अगर मेरे सीनियर का इतना है तो मुझे उससे ज्यादा पे आउट निकालना, आपकी काबिलियत है, आपका आपके सीनियर से ज्यादा हो सकता है। चलिए, थैंक यू, विश यू वेल्थ। मैंने काफी ज्यादा आपका टाइम ले लिया, 8:05 हो चुके हैं, मुझे ध्यान रखना चाहिए 8 बजे तक का। थैंक यू वेरी मच, और 5 मिनट ज्यादा लिया उसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा। हो सकता है आप लोग आपकी बातें तो सुन के वो सबको अच्छी प्रेरणा मिलती है। चलिए कोई बात नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि सर ने बताया, कल को एक काउंसलिंग मीट होगी, तो ये केवल सीरियस लीडर्स को ही आना है, ये एसएच मैसेज जो होगा ग्रुप में सर्कुलेट नहीं होगा, सिलेक्टेड लीडर्स को दिया जाएगा। आप अपने बिहाफ पे अपने टीम के उन लीडर्स को भेज सकते हैं जो जिन्होंने इस महीने बिलिंग कराई है, एक्चुअली जो नहीं कर रहे उनको छोड़िए, जो एक्टिव हैं उनको आप बुलाइए, और आपके आप अगले महीने की प्लानिंग भी हो जाएगी, तो जरूर आइएगा कल को 7 बजे। और बाकी संडे को सुबह को वही 7 लीडर्स वाली मीटिंग होगी, वो आप जरूर देखिएगा, उसका हम सर्कुलेट कर देंगे। और 4 बजे CNT होगी, इस बार और बेहतरीन लीडर्स और नए लीडर्स लेंगे CNT, तो आप उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए,
और ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को लेकर आइएगा और अपनी टीम की सभी लोगों के साथ आपको आना है। तो बहुत अच्छा लगा आप सब टाइम निकाल के आए, इसी टाइप से टाइम निकालते रहिए और अपनी टीम मेंबर्स को भी सिखाइए, वो भी आए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सीखेंगे तभी सफल होंगे। तो थैंक यू ऑल, विश यू वेल, कल को मिलते हैं 7 बजे। थैंक यू सर, विश यू वेल, विश यू वेल, थैंक यू एवरीवन। Thank you.